नई वीडियो के साथ। और आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कॉस कैटेगरी एंड कॉस सेंटर का यूज किस प्रकार से टैली ईआरपी 9 में किया जाता है। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए टैली ईआरपी 9 की स्क्रीन पर आते हैं। मैंने ऑलरेडी कॉस कैटेगरी एंड कॉस सेंटर के नाम से कंपनी बनाई हुई है। दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, खर्चों को एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉस्ट कैटेगरी एवं कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। तो आइए दोस्तों इसका किस तरह से यूज करते हैं टैली में, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, किस प्रकार से कॉस्ट कैटेगरी सेंटर बनाए जाते हैं और किस तरह से इसमें जर्नल एंट्री पास की जाएगी, चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप टैली में प्रेस करेंगे F11। F11 यूज होता है दोस्तों फीचर्स के लिए। F11 इसके बाद अकाउंटिंग फीचर पे आप आएंगे और अकाउंटिंग फीचर में आप यहाँ पर मेंटेन कॉस्ट सेंटर, क्या आप कॉस्ट सेंटर का यूज करना चाहते हैं, हमने इसको बोला बिल्कुल यस। और कह रहा है कॉस्ट कैटेगरी, क्या आप कैटेगरी यूज करना चाहते हैं, मैंने कहा यस, क्योंकि बिना कैटेगरी के सेंटर का कोई मतलब ही नहीं है और हमने इसको सेट कर लिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, टैली में हमारे फीचर्स इनेबल हो गए। दोस्तों अब क्या करना है, हमें कैटेगरी बनानी है। तो मान लेते हैं कि हमने सैलरी दी है एम्प्लॉय को, तो जिन जिन एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड की है वो हो गए हमारे सेंटर्स, और सैलरी हमारे लिए बिजनेस का एक मेन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हो गया हमारा कैटेगरी। तो आइए दोस्तों बनाते हैं अकाउंटिंग इन्फो कॉस्ट कैटेगरी एंड क्रिएट, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंस का नाम सैलरी और इसको सेव कर देना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, एस्केप बटन से वापस आइए। देन इसके बाद बनाएंगे कॉस्ट सेंटर, आखिर वो जो सैलरी है वो किस किस को प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सैलरी, देन जिन जिन पर्सन को वो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए राहुल, राहुल को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। अमन, अमन को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। संजू, संजू को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। एंड दीपक, दीपक को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने टैली में ऑप्शन इनेबल करना सीखा, ऑप्शन इनेबल करने के बाद हमने कॉस्ट कैटेगरी बनाई, कॉस्ट कैटेगरी बनाने के बाद हमने कॉस्ट सेंटर बनाए, और इसके बाद फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा स्टेप है, वो आपको जाना है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट, बिकॉज हमें पेमेंट की एंट्री चढ़ानी है, हमने एक्सपेंस पे किया है, हमने सैलरी पे करी है। तो नॉर्मली सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट अगर आप टैली में इसी तरह से एंट्री पास कर देंगे तो ये पता नहीं लग पाएगा कि सैलरी का जो एक्सपेंस है, सैलरी का जो खर्चा है, आपने किस किस पर कितना कितना किया है। इसी चीज को, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने हमें कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के फीचर्स दिए। तो आइए मैं डेबिट करता हूं, ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाते हैं, सैलरी अकाउंट, और सैलरी मैंने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। और यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। ध्यान रखिएगा दोस्तों सब चीज बेकार हो जाएगी अगर आपने फाइनली इस ऑप्शन को यस नहीं किया। तो हमने इसको यस कर लिया और पूछेगा आपसे कितनी आपने सैलरी दी है, हमने मान लीजिए 1,00,000 रुपए सैलरी बांटी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली, कह रहा है कॉस्ट एलोकेशन फॉर सैलरी अकाउंट अप टू 1,00,000 रुपए। तो इसकी कैटेगरी क्या होगी, स्पेस बार दबाइएगा, जितनी भी आपने कैटेगरी बना रखी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अभी फिलहाल मैंने एक ही बनाई है तो सैलरी ले लेते हैं। अब ये सैलरी किन किन को कितनी दी जा रही है, तो स्पेस बार बटन दबाइए, अमन, अमन को दी है 12,500, फिर स्पेस बार, दीपक, दीपक को दी है 25,000, इसके बाद राहुल 35,200,
और फाइनली संजू को सैलरी दी 27,300। तो हमारा टोटल 1,00,000 रुपए कंप्लीट हो गया। देन क्रेडिट में चाहे आप कैश से दीजिए चाहे आप बैंक के थ्रू दीजिए, तो मैं कैश से ही दे देता हूँ। देन नेगेटिव कैश बता रहा है, क्योंकि नेगेटिव कैश इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने कैश में बैलेंस नहीं डाला हुआ है। और नरेशन, नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग सैलरी पेड टू दिस दिस दिस, और यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों, टैली में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का कंसेप्ट आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी वीडियोस आपको चाहिए टैली, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी के रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट में कीजिए। मैं आपके लिए जैसा आप जैसे भी आपके डाउट्स होंगे मैं सारे क्लियर करूंगा। और दोस्तों लास्ट में इसकी रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स इसकी कहाँ देखेंगे? डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दिखेगा कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पर दिखेगा आपको कैटेगरी समरी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक सिंपल वे में आपसे कोई भी पूछता है तो सैलरी, हाँ जी सैलरी 1,00,000 रुपए हमने दी थी, और 1,00,000 रुपए सैलरी किस किस को कितनी कितनी दी थी, हमने 1,00,000 रुपए सैलरी अमन, दीपक, राहुल, संजू को इतनी इतनी दी थी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा पूरा। थैंक यू सो मच।